చోకి నన్ను బలియా మించు, కన్ను కత్తియ అంచు, బలిగ బిద్దాగని అరివి ఏ సంచు. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक. वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रॉकिंग स्टार यश की KGF के नए गाने के लिरिकल वीडियो के बारे में. यस मेरा भाई, द जोकी सॉन्ग इज आउट स्टारिंग नन अदर देन व्हाइट सदन ब्यूटी तमन्ना भाटिया. यस मेरा भाई, रॉकी भाई जो गाना था, सलाम रॉकी भाई, वो गाने के अलावा अगर कोई गाना था KGF का जो लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इनफैक्ट इस गाने का पूरा जो म्यूजिक वीडियो है वो तेलुगु ऑडियंसेस ने, यानी कि जिस दिन राजमौली जी और यश तेलुगु प्रेस मीट में गए थे वहां पर उन लोगों ने लाइव एंजॉय कर लिया है. मैंने भी वीडियो देख लिया है. लेकिन गाइज, जब लिरिकल वीडियो इतना धमाकेदार हो तो म्यूजिक वीडियो तो थिएटर में देखेंगे. गाइज, दिस सॉन्ग इज आउट ऑफ द बॉक्स. पहली बात तो ये गाने के बारे में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूँ. वेल फ्रेंड्स, ये गाना 1970, यस मेरा भाई, यू विल बी शॉक टू लिसन दैट इतना अच्छा गाना 1970 का कन्नड़ फिल्म का गाना था. लेकिन आज तक लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम. लेकिन गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से परोपकारी, यस मेरा भाई, परोपकारी नाम की एक फिल्म थी जिसमें हमारे द लेजेंड डॉक्टर राजकुमार जी थे. और गाइज, उस गाने को गाया था LR ईश्वरी जी ने, जो कि नन्नू बलिया मिंचू. उस गाने का रीमेक है ये. उस गाने में द वेटरन विजय ललिता जी ने डांस किया था. इट वॉज अ वेरी फेमस कैबरे नंबर. उस फिल्म का हाईलाइट था 1970 की जो फिल्म थी परोपकारी, उस फिल्म का ये हाईलाइट था गाना. लेकिन गाइज, यहां पर जो इसको एक नया वर्जन दिया गया है, यस मेरा भाई, रिक्रिएटेड बाय रवि बसरूल. इसके ओरिजिनल म्यूजिक उपेंद्र कुमार ने दिया था, लेकिन यहां पर सिंगर आयरा उडुपी एंड द म्यूजिक रिक्रिएटर, द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ KGF रवि बसरूल ने इस सॉन्ग के साथ कंप्लीट जस्टिस की है. आज के एरा के हिसाब से इसके जो बीट्स है वो फास्ट है, वो पेपी है. ओरिजिनल सॉन्ग का जो कहते हैं ना, एक नेचुरल टेक्सचर और जो उसका इनोसेंस था उसको ज्यादा डाइवर्ट ना करते हुए प्रॉपर रीमेक बोल सकता हूं. और गाइज, द लोकेशन, द सेटिंग, द एनवायरमेंट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं. अब मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी. यश का जो कॉस्ट्यूम है इस गाने में, ही इज वेयरिंग द सेम कॉस्ट्यूम इन गली गली में. यस मेरा भाई, जो मौनी रॉय का गाना है उसमें भी उसका यही कॉस्ट्यूम है. तो शायद हम हिंदी ऑडियंसेस को ये गाना नहीं देखने मिलेगा, बल्कि मौनी रॉय का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मुझको लगता है. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी. लेकिन गाइज, यहां पर एक और चीज मैंने आपको, जब मैंने इसका तीसरा गाना वो रिव्यू किया था रामोस, उसमें बताया था कि श्रीनिधि शेट्टी जो इस फिल्म की हीरोइन है वो कोई बड़ी बाप की बेटी है. यहां पर भी वो क्लब में एक सोफे पे बैठी हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब ये है कि शी इज अ बिग शॉट, अ स्पॉइल्ड ब्रैट फॉलिंग इन लव विथ नन अदर देन रॉकी भाई, यानी कि यश. तमन्ना भाटिया की बात करें तो उनका कॉस्ट्यूम, उनका डांस स्टाइल और जिस तरह से उन्होंने लिरिकल वीडियो में उनके जो फोटोज के द्वारा हमें दिखा गया है, शी इज अ स्टनर, शी लुकिंग ब्रिलियंट. एंड यश, हिज स्वैग, हिज स्टाइल, हिज लुक, वो ही बरकरार रख रहा है. वो पूरे फिल्म में एक ही टोन में है, जरा भी अपने कैरेक्टर से भटकता नहीं है. लेकिन गाइज, यहां पर मैं प्रशांत जो डायरेक्टर इस फिल्म के, उनको पूरा फुल मार्क्स देना चाहूंगा कि उस एरा को, 1970 को जिस तरह से उन्होंने रिक्रिएट किया है इस गाने में, आई मीन द होल बैकग्राउंड, द एटमोस्फियर, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट डांस कर रहे हैं, बस उस गाने में राजकुमार सर के फिल्म में परोपकारी में कलर नहीं था और यहां पर कलर आ गया है. पूरा का पूरा सेटअप ऐसा लगता है कि 1970s में बैठे हैं. द साउंड, द बीट्स, द लाइट्स, द पीपल बिहाइंड प्लेइंग द म्यूजिक एक इंटेंस फील देता है. एक मिस्ट्रीफुल सॉन्ग है, काफी मदद करेगा
फिल्म के फ्रंट बेंचर जो ऑडियंस रहती है, यानी कि जो मास क्राउड आता है, उनको यू नो अराउज करने के लिए सीटियां और तालियां बजाने पे काफी अराउज करेगा। ये गाना बहुत ही फैंटास्टिक है। एंड आई थिंक एक और गाना धीरा धीरा इज गोना रिलीज, आई थिंक आफ्टर 2-3 डेज, उसके बाद पूरा एल्बम आपके सामने होगा। सो गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपने ये गाना नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जरूर देखिए। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मियां अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून 6 डे फॉर द बिगेस्ट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स। अपनी टिकट्स जल्दी बुक कीजिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।